कश्मीरी अगर अपनी राय रखते हैं कि उन्होंने आज़ादी के साथ अपने तौर पर अपनी रियासत के तौर पर रहना है वो रहें, अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना है तो पाकिस्तान के साथ रहें, अगर वो चाहते हैं किसी और रियासत के साथ मिलकर रहना है तो उसके साथ रहें, लेकिन फैसला कश्मीरियों की अपनी राय पर छोड़ना चाहिए और ये आज़ादाना हक राय दही इंतखाब करवाना ये उनका राइट है, बुनियादी हकूक में से है और ये हक उन्हें मिलना चाहिए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। क्या आप लोग बलूचिस्तान की आवाज को भी ऐसी ही आवाज दोगे? बलूचिस्तान के लोगों को भी हक दोगे कि वो लोग पाकिस्तान से अलग हो जाए? बस हवा निकल गया। जय हिंद दोस्तों, आज जिस वीडियो पर हम लोग रिएक्ट करने वाले वो है निम्र अहमद का, जिस वीडियो का टाइटल है इंडिया एग्रेसिवली टोल्ड यूएन टू स्टे अवे फ्रॉम कश्मीर। तो अगर आप लोग इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हो तो मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किया है, एंड कहीं और से भी देख रहे हो यार कर दो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपकी मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं कि अकवामे मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला पाकिस्तान ही लेकर गया बल्कि खुद इंडिया लेकर गया। अच्छा। और सिर्फ इसलिए लेकर गया, उसने समझा कि शायद अकवामे मुत्तहिदा में मैं मसला ले जाऊंगा, ये इंटरनेशनलाइज हो जाएगा। और ये तब की बात है जब से ये मसला शुरू हुआ पाकिस्तान बनने के फौरी बाद। कश्मीर का मसला तो वैसे उससे पुराना है, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद से जब ये रियासत कश्मीर का इलहाक का जब मसला पेश आया तो उस वक्त इस चीज के इस नुक्ते को खुद ही इंडिया अकवामे मुत्तहिदा में ले गया, और ले जाने के बाद और आज तक अकवामे मुत्तहिदा की जो करारदादे हैं उन्हीं को तस्लीम करने से इनकारी है। अच्छा सर, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी यूनाइटेड नेशंस में हम गए हैं हम लोगों ने हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया है, इंडिया उस बारे में बात नहीं करता है। असल में बात सिर्फ ये है कि अगर ये रियासत कोई गैर मुस्लिम रियासत होती तो शायद अकवामे मुत्तहिदा विद इन मंथ्स इसका फैसला करवा लेती। जिस तरह के आपने शायद देखा होगा पिछले चंद साल कबल मशरकी तैमूर का मसला था, वो गैर मुस्लिम रियासत थी, फौरन उसका विद इन सिक्स मंथ उसका डिसीजन हुआ और उसको इंडिपेंडेंस हासिल हो गई। लेकिन कश्मीर चूंकि एक मुस्लिम रियासत है, चूंकि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त अगर जुल्म भी मुसलमानों पर होता है, आप कहां थे ज्ञानी बाबा, और दहशत गर्द भी उन्हें करार दिया जाता है, जुल्म उन्हीं के खिलाफ होता है और ये कहा जाता है कि जुल्म मुसलमानों की तरफ से हुआ। अगर ये मुसलमान अगर ना होते, कश्मीर अगर मुस्लिम रियासत ना होती तो शायद ये कब का सॉल्व हो चुका होता, लेकिन असल वजह ये है कि कश्मीर में मुसलमान है, मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। यही वजह है कि हर तरफ अगर बज़ाहिर अमेरिका या अकवामे मुत्तहिदा अगर उनकी हिमायत में अगर आवाज़ उठाएं या उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं, क्यों कि कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का है। अच्छा सर, मुझे आप एक बात बताएगा कि पाकिस्तान के अलावा और भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया हमसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश, सऊदी, दुबई वगैरह हमसे जो है वो मुस्लिम कंट्रीज, तो सर उनके मुसलमानों पर अगर आप ये कहते हैं कि दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है तो उन पर जुल्म क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे आप ये बताएगा। और आपकी दूसरी बात ये है कि मुसलमानों का जहाँ पर मुद्दा होता है वहाँ पर सॉल्व नहीं किया जाता, तो आपने ताइवान का नाम सुना होगा, ताइवान और चाइना का क्लैश। यस यस। तो सर उनका भी तो अभी क्लैश चल रहा है, हम हर बात मुसलमान पर क्यों ले जाते हैं? नहीं, आप की बात को मैं यहाँ जो है ना वो डिनाई करूंगा। वो इस वजह से कि ताइवान का इशू एक चाइनीज के दरमियान चाइनीज के बाउंड्री के अंदर का इशू है, और उसको भी जो इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं खासतौर पर अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट हासिल है और अमेरिका को वहां पर अपनी मौजूदगी के लिए ताइवान की जरूरत है, इस वजह से वो उसको सोल्यूशन की तरफ नहीं जाने दे रहा, जो असल वजह है। और... कोई सेंस है इस बात की? वाह वाह वाह, इसीलिए तो पाकिस्तानी बदनाम है क्योंकि वो नॉनसेंस बात ही करते हैं। और मेरे ख्याल में अगर इस इशू को अगर दूसरी तरफ देखा जाए, कश्मीर का जो इशू है ये भी अगर सॉल्यूशन की तरफ जाता है तो इसमें भी बेनिफिट जो है सिवाय कश्मीरियों के या पाकिस्तान के और किसी को नहीं मिलता, और इस इशू को दरमियान में क्रिएट रहने की वजह से जो बेनिफिट है अमेरिकन भी अपना ले रहे हैं, इंडिया भी अपना ले रहे हैं, इसराइल भी अपना ले रहे हैं। यस। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएगा कि रिसेंटली कश्मीर की जो एक्टिविस्ट है अनिका नज़ीर, उनका एक इंटरव्यू आया था तो उन्होंने कहा कि 370 आर्टिकल हटने के बाद कश्मीर में अनगिनत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड इंडियन कश्मीरी मुस्लिम, और यहाँ पर और जो खबरें पाकिस्तान को कन्वे की जाती हैं वो गलत होती है, ऐसा उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे? अब चूंकि ना हम लोग वहां से होके आए हैं ना आप लोग वहां से होके आए हैं, हमने जस्ट उनका ना एक चैनल है द एमपीसेल के नाम से, वन सेकंड, जिसमें वो व्लॉगिंग वगैरह दिखाते हैं डेली बेसिस। ओके ओके, व्लॉगर्स आपने जिस तरह की मीडिया से आपका ताल्लुक है
मैं भी थोड़ा बहुत मीडिया से अच्छी तरह वाकफियत रखता हूँ, लेकिन ठीक है, एक पहलू यह है कि कैमरे के अंदर जो कुछ नजर आ रहा होता है इसके पसे पर्दा क्या है वो नजर नहीं आता। हर व्लॉगर अपने नियुक्ता नजर के ऊपर काम करता है और उसी को आई नो वेरी वेल क्यों, इसलिए कि भारत के अंदर मुसलमानों की तादाद 22-23 करोड़ है। वो भी बहुत से मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने बाय चॉइस इंडिया को चूज किया, वो भी उन्हीं में से हैं। तो कश्मीर के अंदर जो इशू है वो उन लोगों का है, वो लोग जो कहते हैं कि हमने कश्मीर को इंडिया के साथ नहीं रहने देना, वो असल में जुल्म का शिकार है। वरना फारूक अब्दुल्ला, इसका वालिद शेख अब्दुल्ला, ये वही थे जो मुस्लिम थे लेकिन प्रो इंडियन थे। अब ये इशू प्रो इंडियन और एंटी इंडियन होने का है, तो जुल्म का शिकार वही है और जो ज्यादा बड़ी तादाद है वो उन्हीं लोगों की है जो एंटी इंडियन है। अच्छा मुझे आप एक बात बताएगा, अगर कश्मीर की बात की जाए तो एक वहाँ की ना औरत है नसीमा बानो, ठीक है, इसके अलावा भी रिसेंटली प्रयास इंस्टीट्यूट बनाया है बच्चियों को स्किल्स देने के लिए, कश्मीरी बच्चियों को, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर 5G लॉन्च किया गया है, अब वहाँ पर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो है वो ब्रिज बन रहा है। तो सर IPL का रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ के एक बच्चे को चुना गया था, लड़के को, ठीक है। तो सर ये नाम फिर कहाँ से आते हैं, अगर आपको नहीं लगता है कि मीडिया पर जो चीजें होती है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइप क्रिएट करके दिखाया जाता है? मेरे ख्याल में जो मीडिया पर दिखाया जाना वो एक लदा बात है। अच्छा। यासिन मलिक, सैयद अली गिलानी, शबीर शाह, दीगर ऐसे वो तमाम के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो भी तो उसी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, वो भी उनके जुल्म और सितम की चक्की में कई सालों से पिस रहे हैं। यासिन मलिक को तो मेरे ख्याल कई साल हो गए उसको बेगुनाह ही, सिर्फ वजह यह है कि वो अपने कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, इसी आजादी की बिना पर उसको जेल में रखा गया। भाई क्या वो इसमें इंसानियत नहीं है, वो इंसान नहीं है? अच्छा मुझे एक बात देगा, आपको क्या लगता है अगर हम जब कश्मीरियों की बात करते हैं, ठीक है, तो हमेशा पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जाता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कि आपको लिटरली लगता है कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? मैं ये चाहूंगा कि कश्मीर को कश्मीरियों की राय के मुताबिक छोड़ देना चाहिए। कश्मीरी अगर अपनी राय रखते हैं कि उन्होंने आजादी के साथ अपने तौर पर अपनी रियासत के तौर पर रहना है वो रहे, अगर वो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना तो पाकिस्तान के साथ रहें, अगर वो चाहते हैं किसी और रियासत के साथ मिलकर रहना तो उसके साथ रहें, लेकिन फैसला कश्मीरियों की अपनी राय पर छोड़ना चाहिए और ये आजादाना हक राय दही इंतखाब करवाना ये उनका राइट है, बुनियादी हकूक में से है और ये हक उन्हें मिलना चाहिए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। Hey, come look at this. क्या आप लोग बलूचिस्तान की आवाज को भी ऐसी आवाज दोगे? बलूचिस्तान के लोगों को भी हक दोगे कि वो लोग पाकिस्तान से अलग हो जाए? बस हवा निकल गया। नहीं वो कहा होगा दूर, और उसका मतलब है कि इंडिया तो ये मसला सॉल्व नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि ऐसे ही चलता रहे, लेकिन ये तो हमें हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी जाए यूनाइटेड नेशन, ताकि हल निकलना चाहिए ना। ये थोड़ी के वो तो चाहता है कि ना हल निकले, ऐसे लटका रहे, हालांकि वो भी फंसा तो हुआ है, 8 लाख फौज लगा के वो उसको खर्चा इतना जोश का पड़ रहा है। हमारे फिर मुजाहिदीन होते हैं वो उधर भी जाते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, तो लेकिन ये कि वो पाकिस्तान को भी चाहिए यूनाइटेड नेशन में जाके उठाए इस मसले को। अब 75-80 साल या पता नहीं कितना टाइम हो गया ये हल ही नहीं हो रहा, तो हर चीज़ का हल टेबल पर बैठ के हो सकता है, अगर हमारी हुकूमत या हमारे सियासतदान चाहे तो हो सकता है, लेकिन ये भी तो यही एक कान से सुनते हैं फिर निकाल देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जो वहाँ पर 5G लॉन्च की जा रही है, बच्चियों को जो फैसिलिटीज दी जा रही है जम्मू कश्मीर में, इवन श्रीनगर की एक वहाँ की एक्टिविस्ट है, अच्छा, वो काफी तारीफ करती है गवर्नमेंट की भी और इंडिया की भी, तो क्या कहेंगे? हमारी गवर्नमेंट की या उनकी? उनकी गवर्नमेंट। अच्छा उनकी, जाहिर है जो उनकी फेवर में बात करेंगी। वो कश्मीरी है। अच्छा कश्मीरी है, श्रीनगर की। अच्छा मुस्लिम है। अच्छा अनिका नजीर, अनिका, ठीक है, वो जाहिर मुस्लिम है तो वो तो आवाज उठाएंगी। आवाज नहीं उठा रही, वो कह रही है कि हम यहाँ खुश है, पाकिस्तान को बहुत गलत इमेज कन्वे किया जा रहा है। वो ये कह रही है, वो असल में ये है कि इंडिया ने उन्हें कहा होगा ना तुम ये इंटरव्यू दो कि हम यहाँ पे खुश है, जाहिर इंडिया बहुत कुछ करवा सकता है। सर उनका अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे वो कश्मीर से रिलेटेड ब्लॉगिंग पोस्ट करती है खुद। उनका मतलब पाकिस्तान इसमें इसको छोड़ दे जैसे है, हम खुश हैं। हाँ। उसका कहने का ये मकसद है। हाँ। लेकिन वहाँ जहाँ पैलेट गन्स पे लोगों को अंधा किया जाता है, कहाँ पर? इंडिया कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में,
लोगों को आंखों पे वो पैलेट गन से फायर करके उनको अंधा किया जाता है और कत्ल कर दिया जाता है, घरों में जाके उनको बाहर निकाल के कत्ल किया जाता है। वो उसे पूछो ना, चाचा चाचा हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। सरना जो भी है कि वो कौन कर रहा है, तो इंडिया वाले कर रहे हैं ना, उनके फौजी जाते हैं तो वही करते हैं, जुर्म कर रहे हैं तो ये कब तक जुर्म बर्दाश्त वो करें। वो तो इसीलिए आजादी चाह रहे हैं कि हमें ये जो हमारे पे जुल्म इतने सालों से हो रहा है वो खत्म हो। अच्छा सर मुझे एक बात बताएगा, कश्मीर के मुद्दे को लेकर हमारे दरमियान इतनी नफरतें पैदा हो गई हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। अब आप मुझे बताएगा ये जो बातें आपने बोली है ये किसी और मुस्लिम कंट्री की जानिब से क्यों नहीं बोली जाती हैं? अरे मुस्लिम कंट्रीज है ना, ये एक जगह पे बैठ के कोई फैसला नहीं कर सकते। ये हालांकि 52 या पता नहीं कुछ 55 या 60 मुल्क होंगे, लेकिन ये आपस में नहीं जब इत्तेफाक से बैठेंगे तो फैसला इन्हें क्या करना है। इन्हें चाहिए कि बैठे टेबल पे टॉक करें और कुछ डिसीजन लें कि हमने क्या करना है, कश्मीर के लिए क्या करना है और जो फलस्तीन के है लोग उनके लिए। कश्मीरी खुद कह रहे हैं कि हम वहाँ पर खुश हैं। अच्छा आपको पता है याना मीर खुश, खुश है जिनको कोई माल लग जाता होगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुझे पता है वहाँ की ना एक है याना मीर, ठीक है, वो कहती है कि आप लोग ना हर हमारे एंकर पर्सन के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही थी, ठीक है, तो वो कहती कि आप ना हर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कहते हो नहीं तुम लोग नहीं खुश मुसलमानों, जबकि हम कहते हैं हम वहाँ पर खुश हैं, तो क्यों तुम लोग हमें तंग करते हो? करते वो ये बात सुने, ये चंद एक लोगों का ऐसे इंटरव्यू देना कि जी हम खुश हैं, उनको बाकियों पे सारों से पूछो ना, फिर राय शुमारी करो। जो बात हुई थी कि यहाँ पे राय शुमारी हो, सारे इलेक्शन हो ताकि पता चल जाए कितने मुस्लिम है और कितने वो हिंदू है या जो भी अदर कम्युनिटी है, तो पता चल जाएगा। इंडिया ये काम क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता, उसे पता कि फिर मैं उसे मेरी मेजोरिटी काम होगी तो मैं मुझे बैकअप करना पड़ेगा। कौन सी मेजोरिटी काम होगी? मुसलमानों के नहीं, अगर मुसलमान ज्यादा हुए तो जाहिर उनकी बात माननी पड़ेगी ना, अगर इससे हिंदू। अच्छा सर बेसिकली पता क्या हुआ था, आपको पता है कि दूसरा टेन्योर जो है वो मोदी का पूरा होने वाला है, ठीक है, वहाँ पर ना वोटिंग वगैरह हुई थी कि कौन चाहता है नरेंद्र मोदी को दोबारा, तो आधी से ज्यादा आवाम ने उनके हक में कहा। और आपको पता है जब वहाँ पर मुसलमानों का इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान वालों को कहो अपने काम से काम रखे, हमारे लिए हमारा जो लीडर है वो मोदी है। हाँ सही है, नहीं उन्हें कहेंगे बेशक मोदी तुम्हारा लीडर है लेकिन जो कश्मीरी उनको आजादी दो, वो अपने जहाँ जाना चाहे आए जाए, उन्हें रोक टोक कोई ना हो। जाहिर अगर वो एक एरिया में उसमें रह रहे हैं तो तुम उन्हें रुकावटें क्यों उनके लिए खड़े करते हैं? अनिका नजीर भी तो जम्मू कश्मीर की है, श्रीनगर। वो एक बंदे को नोट लग जाएंगे तो यही कहेगा, बाकी भी सारे कह देना की कश्मीर में हम खुश है तो ठीक है, हमें क्या जरूरत है उधर जाएं। अच्छा आपको क्या आप क्या कहना चाह रहे हो कि कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए? नहीं, कश्मीरियों को फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान से मिलना है या इंडिया से मिलना है या आजाद रहना है। क्या लगता है वो पाकिस्तान से मिलना चाहेंगे? वो हमें आजाद रहना चाहिए तो हमें आजादी उनको देनी चाहिए, हम भी देंगे वो भी दे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर है हम लोग ज्यादा स्टेबल है या फिर जम्मू कश्मीर ज्यादा स्टेबल? नहीं, ये आजाद कश्मीर उससे बेहतर है इस वक्त। और एक बात, जिसे आप लोग आजाद कश्मीर कहते हो उसे आजाद कश्मीर कहना बंद करो। अगर वो आजाद है तो उसकी अपनी सेना क्यों नहीं है? अगर वो आजाद है तो उसकी अपनी सरकार क्यों नहीं है? आपकी पार्लियामेंट उसकी बजट क्यों पास करती है? कम से कम पाकिस्तान के उसमें यानी कि उसका है होल्ड है, वो जहाँ यहाँ पे सारे इलेक्शन भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो जो जम्मू है उधर तो इलेक्शन ही नहीं हो रहे कितने सालों से। अगर इलेक्शन हो जाए और वो उनको ये मौका दिया जाए कि किससे मिलना है, मुसलमानों से पूछ लें, वो वोट डाल दें, कश्मीरियों को उनका राइट ऑफ मिलना चाहिए वोट के, किसके साथ रहना है या आज़ाद रहना है। देखिए आज़ादी हर बंदे का हक है, जो भी बंदा इंसान है, कोई है मुसलमान है, कोई भी कम्युनिटी है, उसे राइट है कि वो अपने जहाँ पे भी रहे आज़ादी से रहे, उन्हें कोई जुल्म ना उनके ऊपर हो। अब हमारे मुल्क में भी क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी रहते हैं, हिंदू की माइनॉरिटी बहुत ज्यादा कम है पाकिस्तान है, लेकिन है तो सही है ना, ये सिंध में जाए उधर काफी हिंदू है। हमारा यूट्यूबर गए हुए थे तो वहाँ पर उनको अच्छा
फैसिलिटी है कि नहीं है? अच्छा वो भी यानी कि प्रॉपर नहीं दे रहे। माइनॉरिटीज या कोई भी तबका हो कहीं पर भी हो, सिर्फ स्पेशली हाँ, पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है, उसे उनको प्रॉपर राइट्स हाँ, राइट्स है कि वो अगर रह रहे हैं स्कूल से तो रहने दो, ये तो हर पर्सन का राइट है कि उसे तंग ना किया जाए, जो वो जायज हद तक वो जो काम कर रहा चाह रहा है या वो जो भी उसे करने दिया जाए, उसे उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, उसके रुकावटें ना डाली जाए, फिर तो ठीक है, अगर रुकावटें डाली जा रही है तो गलत है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएगा, लास्ट में मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।